रामटेक लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का दावा कायम है। मित्र दलों से इस संबंध में वरिष्ठ नेता चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र से भाजपा ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव में 51% मत पाने के लिए भाजपा ने गांव चलो अभियान चला है। इस अभियान के अंतर्गत भाजपा के सभी नेता पदाधिकारी रविवार से 8 दिन तक गांव में जनता से संपर्क करेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधाकर कोवे ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए गांव में जनता से संपर्क करेंगे। 24 घंटे तक गांव में रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस 7 जनवरी को काटोल तहसील के पारट शिंका में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी धापेवाड़ा में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष में चलाई गई योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नागपुर जिल्ह्याचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता मिळून आम्ही 2000 पदाधिकारी कार्यकर्ता जवळपास 1566 गावात आणि 26 नगर परिषदा आणि नगर पंचायतमधील प्रत्येक बूथवर गाव चलो अभियान त्या ठिकाणी पूर्ण करणार आहोत। यामध्ये मला सांगताना आनंद होतो आहे की दिनांक 7 आणि 8 फरवरी म्हणजे 24 तास माननीय या राज्याचे उपमुख्यमंत्री लोकनेते श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे पारट सिंगा इथे दिनांक 7 सकाळी जातील आणि 8 परत येतील। पूर्ण वेळ 24 तास ते त्या ठिकाणी गाव चलो अभियानामध्ये सहभागी होणार आहेत। सोबतच माननीय नितीनजी धापेवाड्याला वेळ देणार आहेत। माननीय बावनकुळे साहेबसुद्धा वडोदा आणि अजून एक गाव आहे असं दोन गावाला त्या ठिकाणी मीसुद्धा उमरगाव आणि नरखेड तालुक्यातल्या एका ठिकाणी या ठिकाणी आमचे सगळे नेते बसले। आदरणीय अशोकराव मानकर असेल, अरविंदजी गजबी असेल, डॉक्टर पोद्दार साहेब असेल, सगळे आमचे महामंत्री असेल, उपाध्यक्ष असेल, आम्ही सर्वजण 24 तास एका गावात जाऊन त्या बूथवर थांबून आम्हाला जी 18 प्रकारची कामं त्या ठिकाणी प्रदेशाकडून दिलेली आहे ती सर्व काम गाव चलो अभियाना अंतर्गत आम्ही पूर्ण करणार आहोत। घोषित योजना से नागरिकों को मिले लाभ के बारे में जानकारी ली जाएगी। योजना का लाभ नहीं मिलने का कारण वर्चनों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। अभियान के अंतर्गत 1500 गांव में व 2000 भागों में भाजपा के 1000 प्रवासी नेता मतदाताओं से संपर्क करेंगे। लगभग 3.5 लाख घरों को भेंट दी जाएगी। सावनेर व काटोल विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा जीतेगी। पूर्व विधायक अशोक मानकर, सुधीर पारवे, राजीव पोद्दार, अरविंद गजबी, संध्या गोलमारे, चंदन गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।